एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, किसानों के मसले पर टुकड़े टुकड़े गैंग कोई रास्ता नहीं निकालने देना चाहती। मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, जब कोई काम उनके हिसाब से नहीं होता तो वे उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, इटली में बैठकर किया गया राहुल गांधी का ट्वीट मैंने भी पढ़ा है। दरअसल वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, लेकिन उनके पक्ष में जब भी फैसला नहीं आता है तो वे न्यायपालिका पर भी अप्रत्यक्ष रूप से उंगली उठाते हैं। सेना अगर पाकिस्तान में घुस जाए तो वह सेना पर उंगली उठाते हैं। उन्होंने तो कोरोना वायरस पर भी उंगली उठा दी। हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करती है, टुकड़े टुकड़े गैंग इसमें रास्ता नहीं निकलने दे रही है। इटली में बैठकर उनका ट्वीट जो किया मैंने भी पढ़ा। दरअसल वो किसी संवैधानिक पद पर तो वैसे नहीं है, लेकिन उनके पक्ष में जब भी फैसला नहीं आता तो न्यायपालिका पर वो अप्रत्यक्ष रूप से उंगली उठाते हैं। जब उनके पक्ष में जनादेश नहीं आता तो ईवीएम पे उंगली वो अप्रत्यक्ष रूप से उठाते हैं। सेना अगर पाकिस्तान में घुस जाए तो वो सेना पे उंगली उठाते ही। जब वैक्सीन पे उंगली उठा दी कोरोना की तो और क्या उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। कोई भी सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, दिल्ली की हो, संविधान की शपथ लेते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन। लेकिन जो बात मैं पहले से कह रहा हूँ कि ये बलवा कराना चाहते हैं, चाहते हैं अराजकता की स्थिति का निर्माण हो जो टुकड़े टुकड़े गैंग थे, वह इसमें से रास्ता नहीं निकलेंगे। दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वंश उसे कहते हैं कि नेहरू जी हटेंगे तो इंदिरा जी आएंगी, इंदिरा जी हटेंगी तो राजीव गांधी जी अध्यक्ष बन जाएंगे, राजीव गांधी के पद पर सोनिया गांधी जी अध्यक्ष बन जाएंगी, सोनिया जी के बाद राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाएंगे, राजा का बेटा राजा बनेगा, यह वंशवाद कहलाता है, हमारे यह कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष बनेगा, एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, यह उत्तराधिकारी होना कहलाता है। हमारी पार्टी में आप देख सकते हैं वंशवाद नहीं चलता है। मात्र एक परिवार की खुशामद के लिए ट्वीट कर देना अच्छा नहीं है। मैंने देखा दिग्विजय सिंह जी का वो रीट्वीट है कि ट्वीट है, उनको मैं बताऊं वंश बहुत ज्ञानी है, वो मैं क्या बताऊंगा। वंश होता है कि नेहरू जी हटेंगे तो इंदिरा जी आएंगे, वो अध्यक्ष पद से हटे तो ये अध्यक्ष बन जाएंगे, इंदिरा जी माननी हटेंगी अध्यक्ष पद से तो राजीव जी अध्यक्ष बन जाएंगे, राजीव जी माननी हटेंगे तो फिर माननी सोनिया जी अध्यक्ष बन जाएंगे, सोनिया जी माननी हटेंगी तो राहुल अध्यक्ष बन जाएंगे, और राहुल माननी हटेंगे तो फिर सोनिया जी अध्यक्ष बन जाएंगे। राजा का बेटा राजा बनेगा, ये बंसबेल कहलाती है, न कि वो बंसबेल कहलाती है कि जो प्रोसेस करके ऊपर जाएगा। एक कार्यकर्ता की बात आएगा, मंडल अध्यक्ष बनेगा, एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, वो बंसवेल नहीं कहलाती है, उत्तराधिकारी होना बंसवेल कहलाती है। हमारी पार्टी में बताइए आप, अटल जी के बाद कौन, अडवाणी जी के बाद कौन बता सकता है, कोई मोदी जी के बाद कौन बता सकते हैं, ठाकरे जी के बाद कौन नहीं बता सकते। मैं उनका ज्ञानवर्धन नहीं कर रहा माननीय दिग्विजय सिंह जी का, पर सोचो सिर्फ एक परिवार की खुशामद करने के लिए ट्वीट कर देना, रीट्वीट कर देना अच्छा नहीं है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।